जी, भूमिराम मेघवाल जी, प्रताप जी खाचरवाल जी, नौजवान हमारे मंत्री अशोक चांद, हम चाहेंगे हर जिले में जॉब फेयर लगे। मैं इस मौके पर तमाम उन साथियों को जिनको चाहूँगा और जिनको आगे संभावना बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको मेरी अपनी ओर से आप सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं। कंपनी जो आई है रोजगारी की है और इसका हल सरकारों को निकालने चाहिए और निकालने पड़ेंगे। संख्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है नौजवानों की, 3/4 जो है, 3/4 आबादी नौजवानों की है, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, कहीं कहीं जहाँ चाहे नौकरी लग सके। वो माहौल बनाने के लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि माहौल बनना था, इन्वेस्टमेंट बाहर से आए यहाँ पर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उल्टा ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 9,46,000 लोग जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आप सोच सकते हैं कुछ, ये बहुत सीरियस बात है। हमारे देश के नागरिक या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसलिए वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, या माहौल उनको ठीक नहीं लगा, या उनको कोई तकलीफ है, भय है, आशंका है, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ कि 9,46,000 लोग अगर छोड़े हैं नागरिकता, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मेरा मानना है इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं मुल्कों के अंदर, इसका क्या कारण है, ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार की जाते सवाल है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लाए हम लोग, हमारी आर्थिक नीतियाँ बदलें हम लोग, जिससे कि आसानी से लोन मिल सके नौजवानों को।